हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज आपको देखने को मिलेगा बहुत ही मस्त चीज़। और उसी के साथ साथ अभी मैं जा रहा हूँ ऑफिस, उसके बाद से तुरंत मैं जब आऊँगा वहाँ से उसके बाद से थोड़ा ब्लॉग आप लोगों के लिए डालूंगा। तब तक जो वीडियो चल रहा है उसको आप लोग देखिए। और अब हम लोगों का कुछ सामान पैक भी होने वाला है, तो अब निकलने वाले हैं लोग थोड़ा टूर पर। तो पहले वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ देख के उसके बाद से क्रिसमस डे का जो है वो भी बहुत लोग, जो भी हमारे क्रिश्चियन और सभी लोगों को हमारे तरफ से मैरी क्रिसमस जो आने वाला है। और फिर एक एक करके जो है सब लोग, पार्टी का तो इंतज़ार सबको है और वो 7 तारीख को ही है पार्टी, पर उससे पहले भैया का कॉल आ रहा है। तो चलिए गाइस, कमेंट कीजिए कि आप लोगों को कितना इंतज़ार है। और रंजना अपना ड्रेस सब कुछ जो है वो एकदम ले के तैयार कर दी है। तो अभी हम लोग सामान पैक करेंगे लो धीरे धीरे, उसके बाद से उसके पहले थोड़ा कहीं जाएंगे। फिर कौन कौन जाएगा कौन कौन नहीं जाएगा आप लोग को वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अभी कॉल आ रहा है बार बार, तो उनसे पहले बात कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पे जैसे ही पता चला कि रंजना का थोड़ा मुँह जल गया है, इसलिए मम्मी का थोड़ा आंसू नहीं रुका और वो काफ़ी रोने लगी और तुरंत जो है वो बर्नल मंगवाई थी। तो ये वाला क्लिप जो है जब हम लोग बताए तो एकदम मतलब ऐसा इमोशनल टाइप का हो गया था। अब हम लोग फाइनली पैकिंग भी करेंगे निकलने के लिए। और उसी के साथ साथ अब आप लोग बोलते हैं ना कि रूम इतना गंदा क्यों रहता है, रंजना को खुद नहीं पसंद है इसलिए आज क्लीन करेगी। तो मेहंदी में गया था, ये पूजा लेके गई थी, अरे सिंदूर गिर रहा है, तो इसमें मेहंदी गया था। हाँ। और इसमें चूड़ी मेहंदी बिंदी सिंदूर, मतलब कि मेकअप का जो भी सामान है सारे गया था। कितना प्यारा लग रहा है, थाल को इस थाल को रख देंगे, फिर कभी कोई ओकेजन होगा। हाँ। तो निकलाएगा, क्योंकि अभी निकालने से कोई फायदा है नहीं, सब चीज तो है ही। और ये चूड़ी, ये भी चूड़ी, ये चूड़ा और ये चूड़ी, बाकी ये सब मेकअप का सामान जो भी है यूज करते हैं वो सब था। ये आलता, आलता तो ये सुहागन को कंपलसरी होता है, इसको लेमिनेशन करवाना है। और भी बहुत सारा चीज था, ये क्या है? अच्छा ये तो वो है मम्मी जी, मसाला वाला है, इसको अभी उसका काम नहीं है, उसको रखा है, निकाल निकालो। किसे बात समझ रहा है तुम्हारे घर से? लग रहा है इसमें पैक है मसाला, क्योंकि हैवी लग रहा है, देख नहीं रहा है। रंजना के घर से मिला था, बक्सा में था, हम ही निकाले हैं इसको, सोचे कि लेके चले जाएंगे तो काम में आ जाएगा। इसमें तो लग रहा है पैक है, पैक है। सब मसाला इसमें, वहाँ इलायची है और सब चीज है इसमें। शीशा का है क्या? नहीं, स्टील का है। गरम मसाला है, स्टील का है, फूटने वाला नहीं। हल्दी है, इलायची वगैरह है। सब देखिए कैसे पैक करके मिलता है बेटी के यहाँ से। तो इसको मसाला का डब्बा मिला है ये, तो अभी इसको रख दो ऊपर, वो सब खाली करके तब रखा जाएगा डब्बा, चूंकि अभी डब्बा है, अभी तो डब्बा है। हाँ, और खराब हो जाएगा तब निकालना। हाँ, और इसको शादी अथी में आया था लोग रिसेप्शन के टाइम में, तो वो भी 2 ट्रॉली आया है। समझ में नहीं आ रहा था तो इसलिए मम्मी जी को बुलाया कि आप बैठ के बताइए कैसे कैसे क्या करना है, तो आई। और ये मम्मी जी पीला कपड़ा वो हमला है, वो छत पे अथी का बेदी का था,
तो रखा जाएगा सिंदूर। और गाइस कितना लोग बोल रहे थे कि वहाँ बच्चे हैं लोग बक्सा खोली हैं तो खिलौना बांट दीजिए, तो दिए थे बच्चा लोग को, वो हम सूट नहीं कर पाए थे, ये बबिया के लिए लाए थे छुटकी के लिए। भाई एक एक सामान करके देना पड़ता है बेटी को और बहुत, हाँ बहुत ही रहता है। देखो आ गई भाग रही है, भाग रही है। तो इसका देखिएगा इसका इतना अच्छा से इसका चोटी पुराया है और इनका तो रंग अलग बदल गया है इनका सेवा हो रहा है। बच्ची मेरे साथ रहती है। ओ, ये रिसेप्शन का टाइम मैं इसके घर से आया था। इस साड़ी का कोई इनको गिफ्ट दिया था रंजना को, मीनू आंटी इनका है कोई, छपरा से है, छपरा से है वो, ये गिफ्ट करी है। हाँ एक यहाँ पे है साड़ी और सब में कपड़ा सामान है इसमें और एक वो है और पंखा है इसमें, ठंडा का दिन है तो अभी पंखा। ऐसा ऐसा इसके घर से 14 मिला है तो वहाँ पे है गांव पे सचिन प्रिंस को मिला है आंगन में, मिलता है लड़का लोग के लिए अप टाउनी देते थे, लेकिन पेटी कौन अप टाउनी में मिलता है दूल्हा को, तो वो सब घर पे है अभी आप लोग को दिखाया नहीं है। और ये भी एक आया था इसमें दो साड़ी है, दो साड़ी इसमें है, मेकअप का सामान चूड़े ये सब मेकअप का सामान है। आज यही दिखा कर रहने देते हैं, वहाँ देखे कितना अच्छा सा फ्लावर लग गया और वो दिल दिल भी लग गया है, ये इसी में एक और निशा दी थी फ्लावर, उधर है तो ला के इन साइड रखो, ये हटा देंगे वो तो बेड पर रखना कुशन, ये दोनों रख देना इसे।
और यहाँ पर एक तस्वीर है जो कि लगाना है, देखे वो फोटो, एक राधे कृष्ण का है, ये इसे भी बहुत मानती है राधे कृष्ण भगवान का, तो ये गिफ्ट मिला है, कहाँ से, वहाँ से मिला है, इसके मायके से मिला है, कोई कौन दिया है, ये मेरी बहन लोग ही खरीदी थी, इसकी बहन दी है लोग, तो देखते हैं कहीं इसका लगवा देते हैं, और इसे यहाँ फोटो लग गया है, यहाँ भी लग गया है, इसको अभी हम सोच रहे हैं गाइस के हटवा दें, यहाँ से अलमारी के ऊपर नहीं रहता है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ से हम इसको उठा के इसमें डलवा दे रहे हैं, तो सही हो जाएगा। और ये अलमीरा में मेरा साड़ी रखा हुआ है, इसलिए अभी खाली नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसमें अस्त व्यस्त है, उस रूम ठीक करेंगे तो फिर कहाँ रखेंगे, इसी वजह से इसमें अभी मेरा कपड़ा पड़ा हुआ है, तो जब तक वो रूम क्लियर नहीं हो रहा है तब तक नहीं निकलेगा। और इसमें भी बहुत सारा सामान रखे हैं, कंबल वगैरह कुछ 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 सामान रखे हैं, तो ये भी खाली कर देंगे, तो अपना ये अभी सब सामान अपना रख सकती है। और वो वाला जो साइड का अलमीरा है, वो कवर्ड है, उसमें लगभग ये रखी है, खोलो तो थोड़ा, अपना रोज पहनने वाला कपड़ा उसमें रख दी है, वहाँ पे ये रखी है अभी, तो दिक्कत हो रही है, लेकिन हम देखते हैं, अब उधर अम्बाला जाना है, नहीं जाना रहता तो हम पहले रूम को फिनिशिंग कराते, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि पैसा का बहुत इन्वेस्ट होता है इधर उधर जाने में, कितनों कुछ भी है लेकिन अपने पास लेके ही जाना पड़ता है। तो वैसे हमको मन नहीं था अम्बाला जाने के लिए, कि हम सोचे थे कि इन लोग को भेज देंगे, हम नहीं जाएंगे, तो देखते हैं अभी प्रोग्राम में क्या है, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, अभी हमको मन आगे पीछे हो रहा है, इसलिए कि तबीयत भी सही नहीं लग रहा है, दूर जाने पर ठंडा का समय है, और जब से ऑपरेशन हुआ है तब से मेरा कमर में दर्द भी रह रहा है, पीठ में रह रहा है, तो इस समय ठंड काफ़ी है, उधर तो और ज़्यादा ठंड है, और कुछ बात जो है जिससे मन नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन आप लोग को बाद में बताएंगे कि किस बात से हम नहीं जाना चाह रहे हैं, इन लोगों को भेज सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे, और वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा, और कुछ कुछ सामान है जो कि ये दिखाई है, और बहुत चीज़ है, तो वो भी हम आप लोग के सामने शेयर करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है मेरे घर में तो हम छुपाते नहीं हैं, आप लोग के सामने शेयर कर देते हैं, चूँकि आप लोग भी मेरे फैमिली के सदस्य हैं इसके वजह से। तो चलिए एक ठो में ही भर जा रहा है, हो जाएगा, बंद करो इसे। और एक ठो बड़ा वाला रह जाएगा, तो जाने के टाइम में अपना सामान सब सेट करके रखा जाएगा। हेलो माय ऑटो फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है, और बहुत आज ठंड है सिवान में, तो उसके लिए हम लोग ना तो आलू भर के पराठा बनाते हैं, ना तो चावल का रोटी बनाते हैं, कुछ भर के बनाते हैं, अच्छा लगता है, स्पाइसी खाते हैं हलवा, तो हम आज बना रहे हैं लिट्टी, और चटनी बनेगा या चोखा बनेगा, तो लिट्टी चोखा आज बनेगा। तो यहाँ पे हम लिए हैं हरी मिर्च काट लिए हैं, और यहाँ प्याज और लहसुन, हल्दी और अदरक, थोड़ा सा अदरक कूट के डाले हैं, यहाँ यहाँ पे है अदरक कूट के डाले हैं, और इसमें है नमक और धनिया पत्ता, ये सब डाल दिया है, और अचार डालेंगे, नींबू डालेंगे, जवाइन मंगरेल डालेंगे, तो अभी वो नहीं डाले हैं, तो सब डाल लेते हैं, तो आप लोग को दिखाते हैं। और यहाँ पे है सत्तू, जो 250 ग्राम है सत्तू, हम लोग चार जन हैं, पांच जन खाने वाले, तो ये ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, तो चलिए दिखाते हैं कि कैसे बन रहा है, इसको अच्छी तरह से मस लेंगे, अभी इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि पानी नहीं है, जब इसको मसल देंगे तो पूरा पानी आ जाएगा इसमें, तब जाकर डालेंगे, तो ये बहुत टेस्टी होता है, और कितने लोग हाथ में लगने के चलते
इसको ज़्यादा नहीं मसलते हैं, इसी तरह बना लेते हैं तो उतना टेस्टी नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं आगे। सो गाइस गुड मॉर्निंग, और सुबह का आरती और घंटी बज गया, 7 बज रहा है इस समय। आज थोड़ा सा कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मिला जुला के सही है, और काम करने वाली भी आई है तो अभी बर्तन वर्तन साफ हो रहा है। तो गाइस ये हर दिन सबका सेवा करती है, आज जो है इसका देख सकते हैं जल गया है, तो इसको अभी थोड़ा सा मलहम लगा दे रहे हैं बर्तन, और उसके बाद से सोया जाए।